सो आज के हमारे इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं डिफरेंट यूज ऑफ भी। हिंदी में जो हम भी का इस्तेमाल करते हैं, हिंदी में तो हम भी कहीं पे भी लगा देते हैं, हमारे पास इंग्लिश में उसको इस्तेमाल करने के 5 अलग अलग वर्ड स्क्रीन पे यहाँ पे लिखा हुआ है। भी के लिए हम ऑल्सो भी यूज करते हैं, टू भी यूज करते हैं, इधर भी यूज करते हैं। इसको आप इधर पढ़ो या आइधर पढ़ो, दोनों का ही मतलब सेम होता है, सिर्फ ये हमारे ब्रिटिश और अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन है और कोई डिफरेंस नहीं है। भी के लिए हम इवन भी यूज करते हैं और भी के लिए हम एज वेल का भी यूज करते हैं। अब कहां पर किसको इस्तेमाल करना है, इसके लिए आपको इसकी बारीकी को समझना बहुत जरूरी है। अगर आप इसकी बारीकी को नहीं समझते हैं और आपको लगता है कि मैं इसको कहीं पे भी किसी भी पोजिशन पर लगा दूंगा तो हमेशा आपका वो सेंटेंस ग्रामेटिकली रॉन्ग होगा। स्पोकन में तो आप चला भी सकते हो बट वो ग्रामेटिकली रॉन्ग होगा, क्योंकि हमें इनकी राइट पोजिशन का पता होना बहुत जरूरी है कि किस जगह पर ये कौन से हमारे लगेंगे। तो आज हम यही सीखने जा रहे हैं कि हम भी को इन 5 वर्ड्स को कब, कहां और किस पोजीशन पर लगाएंगे। तो सबसे पहला जो हम देखने जा रहे हैं वो है हमारा ऑल्सो। ऑल्सो का मतलब भी होता है मैं भी अच्छा हूं, मैं अच्छा हूं, आई एम गुड, मैं भी अच्छा हूं, आई एम ऑल्सो गुड। ध्यान रखना जो हमने ऑल्सो का यूज किया है Also, हमेशा या तो वर्ब से पहले है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो आपको also का यूज करना है उसका प्रयोग हमेशा पॉजिटिव सेंटेंस में होता है और ये वर्ब के पहले आएगा या किसी हेल्पिंग वर्ब के बाद में होता है। ध्यान रखना है हेल्पिंग वर्ब के बाद में आएगा, किसी वर्ब से हमेशा पहले आएगा। क्लियर हो गया? जैसे यहाँ पर यह है, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद मैंने यहाँ पर also का यूज किया है, I am also good। या कोई वर्ब अगर आती है आपकी तो वर्ब से पहले आएगा आपका ये। You also know him, यानी तुम भी उसे जानते हो। तो जो हमारा also है, अगर हम भी की बात करते हैं, पहली बात तो ये कि यहाँ पर जो भी की बात होती है वो एडिशनल की बात हो जाती है कि मैं तो ये चीज जानता ही हूँ, हम तो ये चीज जानते ही हैं, तुम भी ये चीज जानते हो, ठीक है। तो उसको हम कब यूज करेंगे, हमेशा या तो हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा या वर्ब से पहले आएगा। क्लियर हो गए? तो इस तरीके से हम ऑल्सो का यूज करते हैं। सेकंड जो हम यहां पर देखने जा रहे हैं वो है हमारा टू। टू का मतलब भी होता है। अब इसको कहां पर हमें इस्तेमाल करना है, आप यहां पर सेंटेंस लिखाओ मैं भी अच्छा हूं, यहां पर हमने क्या यूज किया, आई एम गुड टू। तो यहां समझ में आ गया कि हमें हमेशा टू का जो इस्तेमाल है वो लास्ट में करना है। हम ऑल्सो का इस्तेमाल कर रहे थे हेल्पिंग वर्ब के बाद और वर्ब से पहले, टू का इस्तेमाल हमेशा आपका सेंटेंस के लास्ट में किया जाएगा। ये ध्यान रखना, ये भी हमारा जो है पॉजिटिव सेंस में यूज होता है और हमेशा वाक्य के अंत में ही यूज होगा। ये कभी भी बीच में इस्तेमाल नहीं होगा। आप कभी ये नहीं बोल सकते आई एम टू गुड। अगर आप इस तरीके से बोलते हैं तो वो एक नेगेटिव साउंड करता है। हमेशा आपको टू का इस्तेमाल सेंटेंस के लास्ट में ही करना है, अदरवाइज आपका सेंटेंस का जो सेंस होगा वो नेगेटिव साउंड करेगा। तो हमें इसको पॉजिटिव लेके चलना है और हमेशा आपको इसको सेंटेंस के लास्ट में यूज करना है। नेक्स्ट है हमारे यहां पर इधर। इधर का मतलब भी होता है भी, मैं भी अच्छा नहीं हूं, आई एम नॉट गुड इधर। ध्यान रखना इधर का जो यूज है हमारा, इधर हमेशा आपका नेगेटिव सेंस में आएगा। इधर का जो यूज है आपका वो हमेशा नेगेटिव सेंटेंस में होता है और वो वाक्य के हमेशा एंड में ही आएगा, ठीक है। जैसे अगर मैंने बोला कि मुझे ये मूवी अच्छी नहीं लगी तो मैं क्या बोलूंगा, मुझे भी अच्छी नहीं लगी, आई डिडंट लाइक दिस मूवी, तो मैं क्या बोलूंगा इधर आई। समझ में आ गया? तो आई एम नॉट गुड इधर मतलब मैं भी ठीक नहीं हूं, आई एम नॉट गुड इधर, मैं भी ठीक नहीं हूं, मैं भी अच्छा नहीं हूं। तो इधर का जो यूज है हमारा जो भी के सेंस में हो रहा है, एक तो हमेशा ये क्या होगा नेगेटिव सेंटेंस में आएगा, नेगेटिव सेंटेंस में आएगा और हमेशा सेंटेंस के लास्ट में आएगा। जैसे अगर मैं बोलता हूं कि सोनू नहीं आया है, ठीक है ना, सोनू भी नहीं आया है, अगर मैं कर देता हूं तो क्या आ जाएगा इधर, मतलब और बच्चे तो नहीं आए, सोनू भी नहीं आया। हम क्या बोलेंगे, सोनू डिड नॉट कम इधर, सोनू डिड नॉट कम इधर, यानी सोनू भी नहीं आया, सोनू भी नहीं आया, सोनू डिड नॉट कम इधर। तो इधर का जो यूज हम करेंगे वो सेंटेंस के लास्ट में, ध्यान रखना हमेशा नेगेटिव में आएगा। जैसे अगर मैं बोलता हूं क्या तुम अपना लंच लाए हो, हैव यू ब्रॉट योर लंच, अब उसने बोला कि नहीं मैं नहीं लाया, नो आई हैवंट, मैं बोलता हूं मैं भी नहीं लाया, तो आई हैव नॉट ब्रॉट इधर, मैं भी नहीं लाया हूं, आई हैव नॉट ब्रॉट इधर। समझ में आ गया?
तो इधर का जो यूज होगा वो हमेशा बी के सेंस में लास्ट में यूज होगा और हमेशा नेगेटिव सेंटेंस में आपका ये यूज किया जाएगा। नेक्स्ट जो हम यहां पर यूज करने जा रहे हैं वो है इवन का। इवन जो हम यहां पर यूज कर रहे हैं सेंटेंस में बी के, जैसे यहां पर सेंटेंस है मैं भी अच्छा नहीं हूं, इवन आई एम नॉट गुड या इवन आई वॉज सो हैप्पी। इसका जो सेंस होता है ना, ये इवन हमारा दोनों में यूज होता है, नेगेटिव में भी पॉजिटिव में यूज होता है, और दोनों ही सेंटेंस के जो हमारे वाक्य होंगे दोनों सेंटेंस के वाक्य शुरू में ही इस्तेमाल होते हैं। ये नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव हो सकता है। अच्छा, इवन का ना एक मतलब हमारा होता है यहां तक की भी होता है, यहां तक की, यानी इवन आई एम नॉट गुड यानी यहां तक की मैं भी अच्छा नहीं हूं, ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अगर हम इसकी बात करते हैं इवन आई वॉज सो हैप्पी, यहां तक कि मैं भी बहुत खुश था, ठीक है ना, तो मैं भी जो आ रहा है हमारा यहां पर, ये हमारा नेगेटिव में हुआ, ये हमारा पॉजिटिव में हुआ। लेकिन इवन का जो हमारा सेंस होता है यहां तक की वाला सेंस भी हम लगा देते हैं कि वो चीजों को बहुत ज्यादा एग्जैगरेट कर देता है, उस चीज को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बोलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इवन हम कहीं पर भी लगा सकते हैं। अच्छा, अगर आपको इवन कभी वैसे इस्तेमाल करना होता है तो वहां जैसे वो वर्ब से पहले आपका आता है मैं तो उसे जानता भी नहीं हूं, मैं तो उसे जानता भी नहीं हूं, यहां मेरा क्या होगा नेगेटिव सेंटेंस आ गया, तो मैं वहां बोलूंगा आई डोंट इवन नो हिम। ऐसे केसेस में हमेशा जो इवन है आपका वो वर्ब से पहले आएगा, जैसे मैंने तो उसे देखा भी नहीं है, तो आई हैव नॉट इवन सीन हिम, आई हैव नॉट इवन सीन हिम, मैंने तो उसे देखा भी नहीं है। इन सेंटेंसेस में हम वर्ब से पहले इवन का इस्तेमाल कर रहे हैं कि ऐसा भी नहीं हुआ है, समझ में आ गया। तो इवन जो है हमारा इसका मतलब भी होता है और ये हमेशा सेंटेंस के शुरू में आएगा और ये नेगेटिव पॉजिटिव दोनों सेंटेंस में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लास्ट जो है हमारा यहाँ पर एज वेल, एज वेल का मतलब भी होता है, ये हमेशा सेंटेंस के लास्ट में इस्तेमाल होगा और हमेशा ये आपका पॉजिटिव सेंस में ही इस्तेमाल किया जाता है। मैं भी अच्छा हूं, आई एम गुड एज वेल। अच्छा, इसका ना एज वेल का मतलब जो होता है हमारा वो साथ के साथ, मैं भी अच्छा हूं या मैं सो रहा हूं और पढ़ाई भी कर रहा हूं, तो आई एम स्लीपिंग एंड स्टडिंग एज वेल। तो भी जो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, भी का मतलब हमारा एडिशनल हो जाता है किसी चीज के साथ, तो यहाँ पर एक एक्शन के साथ अगर हम दूसरा कोई एक्शन साथ कर रहे हैं हम, तो वहां पर हम क्या करेंगे इसका इस्तेमाल कर लेंगे एज वेल, ठीक है। जैसे मैं भी अच्छा हूं, आई एम गुड एज वेल, ठीक है, मैं पढ़ भी रहा हूँ, पढ़ा भी रहा हूँ, आई एम स्टडिंग एंड टीचिंग एज वेल, समझ में आ गया। तो भी का जो सेंस हो रहा है हमारा यहाँ एज वेल का, वो हमेशा लास्ट में इस्तेमाल किया जाएगा। तो इस तरीके से हमने भी के जो है वो 5 डिफरेंट यूज किए हैं, जिसके अंदर हमने ऑल्सो टू इधर इवन और एज वेल इन सबका इस्तेमाल किया है। होप आपको ये समझ में आ गया होगा, फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछिए।